नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे। इस कठिन समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, पर दिलों में डिस्टेंस क्यों हो? आ रहे हैं हम दिलों की दूरियों को दूर करने के लिए अपनी इस अनोखी सुरीली प्रस्तुति को लेकर, जिसका नाम है सफरनामा, सॉन्ग्स क्लोज टू योर हार्ट। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं HP सिंगला, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ मुंबई घाटकोपर, आप सभी का स्वागत करता हूं और तहे दिल से सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे। इस कठिन समय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है, पर दिलों में डिस्टेंस क्यों हो? आ रहे हैं हम दिलों की दूरियों को दूर करने के लिए अपनी इस अनोखी सुरीली प्रस्तुति को लेकर, जिसका नाम है सफरनामा, सॉन्ग्स क्लोज टू योर हार्ट। नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों, मैं HP सिंगला, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ मुंबई घाटकोपर, आप सभी का स्वागत करता हूं और तहे दिल से सबका धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अपना सहयोग दिया, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अपना डोनेशन वगैरह के दिए। हम लोग रोटरी क्लब ऑफ घाटकोपर जो है विभिन्न टाइप के कम्युनिटी प्रोजेक्ट करते हैं, जिसमें एजुकेशन, मेडिकल और बहुत से अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। आप सभी का सहयोग से ये सब हम पूरा कर पाएंगे और आज का जो प्रोग्राम है म्यूजिकल इवनिंग, उनके संयोजक श्री अरविंद भाई मेहता जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनकी टीम को पूरा शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और आगे भी मैं आशा करता हूँ कि आपका इसी तरह हमारा साथ बना रहेगा और हम मिलजुल के आगे काम करते रहेंगे।
स्वागतम सुस्वागतम। अरविंद मेहता प्रस्तुत करते हैं सफरनामा, सॉन्ग्स क्लोज टू योर हार्ट, इन एसोसिएशन विद रोटरी क्लब ऑफ मुंबई घाटकोपर। ऐसे नगमे जो जिंदगी में हमारे हम सफर बने, ऐसे नगमों का सफर यानी सफरनामा, सॉन्ग्स क्लोज टू योर हार्ट। सफरनामा के गायक विशेष अध्याय सिंगर स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा के कुछ बहुचर्चित गायक तो कुछ भूले बिसरे गायकों के अमर गीत, गजलों और नगमों का खजाना सफरनामा। असल में मन्ना दा कुश्तीबाज बनना चाहते थे। अपनी कॉलेज के लिए वो खेला करते थे और स्टेट लेवल चैंपियन भी थे, मगर समय के साथ उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम होती गई और उन्हें चश्मा लग गया। कुछ एक्सीडेंट्स हो जाने के बाद उन्होंने तय किया कि अब वो कुश्तीबाजी नहीं करेंगे। तब उनके मामा कृष्ण चंद्र डे ने उनसे कहा कि जब तुम अपनी आवाज से ही घायल कर सकते हो तो गायकी में ही आगे बढ़ो। और इस तरह मन्ना दा संगीत से, गायकी से जुड़े। आइए उनकी आवाज में ये अर्थ सभर, सुमधुर, सुरीली प्रार्थना सुनते हैं, जो एक बच्चों के आश्रम के संचालक उसके आश्रम में आई हुई दिशाहीन उलझी लड़की के लिए कर रहे हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर का पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि
आए, कौन दिशा से हम के आए, कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। उमा देवी खत्री मुंबई आई थी गायिका बनने के लिए। जब वो पहली बार नौशाद जी से मिली तो पता है उन्होंने क्या किया? नौशाद जी को धमकी दे दी कि अगर आपने मुझसे गीत नहीं गवाया तो मैं दरिया में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। दरिया बंगले के बिल्कुल सामने ही था। नौशाद जी ने उमा देवी को सुना और उनकी काबिलियत के दम पर उन्हें ये गीत गाने का मौका दिया। इस गीत ने उमा देवी को उस जमाने की टॉप की गायिकाओं में स्थापित कर दिया। लेकिन उनकी सिंगिंग करियर लंबी टिकी नहीं और नौशाद जी के ही कहने पर उन्होंने एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने जिद की थी कि मैं पहली फिल्म करूं तो दिलीप कुमार के साथ ही करूं। और वाकई उनकी पहली फिल्म 1950 की बाबुल के हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन थी नरगिस और उमा देवी उस फिल्म में थी हास्य कलाकारा। इसी फिल्म में दिलीप कुमार ने उन्हें नाम दिया टुन टुन। जी हाँ, टुन टुन, जिन्होंने करीब 50 सालों तक 200 फिल्मों के जरिए हमें पेट पकड़ पकड़ कर हंसाया है। आइए हंसते हुए उमा देवी उर्फ टुन टुन को याद करते हैं और ये गीत सुनते हैं। दिले बेकरार का आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बाहर में, नहीं है बाहर में। जब तू चाहता है मूवी ना देखूं बाहर का आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलतें, जमाने की दौलतें। बात 1949 की है। एक 25 वर्ष के युवा गायक एक संगीतकार के पास जाते हैं और कहते हैं, मुंबई में अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मैं पंजाब लौट रहा हूँ, वहां पे रागों पे मुनासिर तराने गाऊंगा।
संगीतकार कहते हैं, आप चंद रोज रुकिए, मैं आपके लिए वैसे ही तराने बनाऊंगा। वो महान गायक थे द वन एंड ओनली इनिमिटेबल मोहम्मद रफी और संगीतकार थे नौशाद जी। रफी को कुदरत की देन थी कि वे सहज ही सुरों और उपसुरों को तमाम हाव भाव के साथ पेश कर पाते। नौशाद जी ने रफी की इस शानदार रेंज को पेश किया सांगीतिक इतिहास की महान फिल्म बैजू बावरा में। बैजू बावरा का आज वो गीत सुनेंगे जो मुंबई की दहीसर नदी पर फिल्माया गया था और जिसमें मीना कुमारी मरते मरते बची थी क्योंकि उनकी नाव मझधार डूबने ही वाली थी। राग भैरवी पर आधारित इस गीत को पेश करेंगे मल्टी टैलेंटेड वेरी वेरी ऑक्यूपाइड कीबोर्डिस्ट, म्यूजिक कंडक्टर, म्यूजिक अरेंजर एंड अ मेलिफ्लुअस सिंगर चिराग पंचाल। राधे जमुना के तीर। हो जी हो तू गंगा की मौज में जमुना कधारा, तू गंगा की मौज में जमुना कधारा, हो रहे गा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा, रहे गा मिलन ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मझधार मैं हूँ, मझधार मैं हूँ, तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, ना तुमसे ये नैया, मिलेगी ना मन तुम्हें बिन खे भैया, तुम्हें बिन खे भैया। चले आओ जी, चले आओ जी, चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के, बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने ना देंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा, रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में
जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा ये हमारा तुम्हारा। पता है एक बार क्या हुआ, लता जी के पास एक बड़ा ही स्लिम ट्रिम हैंडसम लड़का एक चिट्ठी लेकर आया और कहा कि राज साहब ने आपके लिए बुलावा भेजा है, वो आपसे कुछ गीत गवाना चाहते हैं। लता जी ने अपनी बहन से कहा, पृथ्वीराज कपूर हैंडसम है, राज कपूर हैंडसम है, मगर पता है आज उनका ऑफिस बॉय आया था, वो भी बड़ा हैंडसम है। लता जी जब राज साहब के ऑफिस पहुंची तब वे ये देखकर बड़ी ही सहम गई कि जिन्हें वो ऑफिस बॉय समझ रही थी असल में वो थे शंकर जयकिशन की जोड़ी के जयकिशन जी। वो फिल्म थी बरसात, जिसके जरिए लता जी, शंकर जी, जयकिशन जी, हसरत जी, शैलेंद्र जी पहली बार मिले और उनकी टोली सी बन गई। वो साथ में काम करते, लड़ते, झगड़ते और झगड़ने के बाद चौपाटी जाकर भेल पूरी और आइसक्रीम खाते। आइए बरसात का ही एक गीत सुनते हैं, और ये गीत लेकर आ रही हैं हमारी एक्टर सिंगर कलाकारा, आप अब तक 15 टेलीविजन शोज में काम कर चुकी हैं, थिएटर आर्टिस्ट आप रह चुकी हैं, और आप बचपन से ही एआर रहमान के लिए गीत गाती आई हैं उनके कॉन्सर्ट्स में, आपने मुंबई आइडल का खिताब जीता, आप अपना खुद का लिखा हुआ कंपोज किया हुआ म्यूजिक वीडियोस बनाना बहुत पसंद करती हैं, और आपके 3 ओरिजिनल वीडियोस रहे हैं माँ, बारिश की बूंदे और क्या ये प्यार है, प्रेजेंटिंग ज्योतिका शर्मा। हवा में उड़ता जाई मोरा लाल दुपट्टा, मलमल का जी मोरा लाल दुपट्टा, मलमल का खोजी इधर उधर लहराई मोरा लाल दुपट्टा, मलमल का जी मोरा लाल दुपट्टा, मलमल का खोजी हवा में उड़ता जाई मोरा लाल दुपट्टा, मलमल का जी मोरा लाल दुपट्टा, मलमल का उधर लहराई मुरा लाल दुपट्टा, मलमल का जी मुरा लाल दुपट्टा, मलमल का खोजी उधर लहराई मुरा लाल दुपट्टा, मलमल का जी मुरा लाल दुपट्टा, मलमल का खोजी हवा में उड़ता जाए मुरा लाल दुपट्टा, मलमल का जी मुरा लाल दुपट्टा, मलमल का खोजी। हेमंत दा एक सदे हुए
बहुत ही मीठे और मधुर गायक ही नहीं थे पर एक प्रभावशाली संगीतकार भी थे। यही नहीं, उन्होंने कई सारी फिल्मों का निर्माण भी किया। ये उनका बहुआयामी व्यक्तित्व रहा। हेमंत कुमार ने अपने स्वर में जो अमृत बांटा उसका तो क्या कहना। आज भी जब भी हम चखते हैं अतृप्त ही रह जाते हैं। बस 1952 की फिल्म के इस गीत की तरह, जिसमें गीत सुनते ही हीरोइन हीरो को मिलने चली आती है, वैसे ही हम हेमंत कुमार के गीतों की तरफ खींचे चले जाते हैं। इस गीत में जिस तरह हर रोमांटिक लाइन के बाद पेड़ों का, चांदनी का, रात का जिक्र हुआ है, ऐसे लगता है पूरी सृष्टि कोई प्रेम जाल रच रही हो। आइए इस गीत की लज्जत उठाते हैं। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। कभी ना आएगी दो एक पल और है ये समां, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। बदल के देख ले, खुल दे दे अब धड़कनों की जबान, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। दास्तां दास्तां।
है ना, वक्त का खास होना जरूरी नहीं, खास के लिए वक्त होना जरूरी है। बारिश का मौसम तो हर साल आता है, मगर याद वही रहता है जिसपे कुछ खास हुआ हो। लता मंगेशकर याद करती हैं कि उन्होंने मन्ना डे के साथ कई गीत गाए, मगर इस गीत का जो पिक्चराइजेशन है वो अविस्मरणीय है। एक छाते के नीचे भीगते हुए राज कपूर और नरगिस, और फिर एक शॉट में राज जी के तीनों बच्चे, छोटे से रणधीर, ऋतु और ऋषि कपूर। राज कपूर की चार्ली चैपलिन जैसी ट्रैम्प बॉय इमेज को अनुरूप बर्ड फ्लूट्स वाले इंटरल्यूड्स का ये गीत, आइए चिराग और ज्योतिका की आवाजों में ये करारा दो गाना सुनते हैं। प्यार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। गीत न बदलेगा कभी तुम ही कहो इस राह का, नीत न बदलेगा कभी। प्यार जो टूटा साथ जो छूटा जान न चमकेगा कभी। प्यार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हमारे प्यार दोहराएगी जवानियां, मैं न रहूंगी तुम न रहोगे फिर भी रहेंगी निशानियां। प्यार हुआ इकरार हुआ है से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। Thank you.
प्यारे दोस्तों, नौशाद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि नूर जहां की आवाज में जो खनक है, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो नूर है, वो मैंने किसी और आवाज में नहीं पाया। उनके साथ मुझे एक ही फिल्म में काम करने का मौका मिला। इससे उन्हें इज्जत मिली या नहीं, मगर मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई। जी हाँ, मल्लिकाए तरन्नुम जिन्हें कहा जाता था, ऐसी ही नूर जहां की आवाज में सजा हुआ और उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत इतना अनमोल है कि हम घड़ी घड़ी सुनकर झूम उठते हैं। और रिकॉर्ड है, आज तक जहां पे भी हमने ये गीत चलाया वहां पे लोगों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में तरंग आ जाती है। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपके साथ ये सब होने वाला है या नहीं। जवा है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवा है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। ना सोचे हमें क्या कहेगा जमाना, क्या कहेगा जमाना। जवा है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लाया है दिल ने खुशी का खजाना। अभी तक मुझे याद है वो कहानी, याद है वो कहानी। अभी तक मुझे याद है वो कहानी, याद है वो कहानी। ना भूलेगा बचपन का रंगी जमाना, हाँ रंगी जमाना। जवा है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। यहाँ आंखों आंखों में बातें हुई है, यहाँ आंखों आंखों में बातें हुई है। किसी ने न देखा, किसी ने न जाना, हाँ किसी ने न जाना। जवा है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। तुम आए के बचपन मेरा लौटाया, माए के बचपन मेरा लौटाया, लौटाया। मिला है मुझे जिंदगी का बहाना, जिंदगी का बहाना। जवा है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवा है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। किशोर कुमार पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में अशोक कुमार ने जिक्र किया था कि किस तरह किशोर दा का आवाज बचपन में बहुत कर्कश था। एक दिन हुआ यूं कि उनके पैर की बीच की उंगली टूट गई, और उन दिनों पेन किलर्स मिलते नहीं थे, तो किशोर कुमार रोए और बहुत रोए, 20-22 घंटे रोए। उतना ही नहीं, महीना भर वो रोते रहे इस बात को लेकर, और तब उनका गला बिल्कुल खुल गया, साफ हो गया और वो गाने लगे। तो वो दर्द कहीं ना कहीं उनके दर्द भरे संजीदा नगमों में भी हमें सुनाई देता है। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो
गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, और रहे वो तुझसे परे, तूने उस सनम ढाए है सितम, तो ये तू भूल होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब। 1940s में प्लेबैक सिंगर्स के पूरी तरह आ जाने के पहले जो एक्टर सिंगर्स हुआ करते थे, उनमें से आखिरी शानदार सिंगर एक्टर थी मल्लिकाए तरन्नुम प्लस मल्लिकाए हुस्न प्लस मल्लिकाए अदाकारी सुरैया। सुरैया जी की सोल स्टरिंग आवाज में गाए हुए गीत आज भी हमारी नींद उड़ा देते हैं। वो अपने जमाने की हाईएस्ट पेड सिंगिंग एक्ट्रेस थी, मगर सुरैया जी का जिक्र बिना देवानंद के पूरा नहीं हो सकता। फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान सुरैया और देवानंद की नाव नदी के बीचों बीच थी और उलट गई, तब देवानंद ने सुरैया को बचाया और उनके नैना मिले और शुरू हुई वो प्रेम गाथा जो हम सब जानते हैं मुकम्मल नहीं हो पाई। बहरहाल आइए सुनते हैं ये गीत। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, है तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया परदेसिया, है तेरे नैनों ने चोरी किया। जाने कैसा जादू किया तेरी मीठी बात
फिल्म निर्देशक बीआर चोपड़ा को साहिर लुधियानवी का एक काव्य खूबसूरत मोड़ बेहद पसंद था। उन्होंने अपनी अगली फिल्म के लिए संगीतकार रवि से कहा कि तुम इसी काव्य पर धुन बनाओ। गीत बना और श्रोताओं ने बेहद पसंद किया इस गीत को अपनी मधुरता, अपने नए नजरिए और गायकी के लिए। इस गीत के गायक जो रिलेटिवली नए गायक कलाकार थे, उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट सिंगर मेल का अवार्ड भी मिला। वो आर्टिस्ट थे लेजेंडरी पद्मश्री महेंद्र कपूर। उनके बेटे रुहान कपूर याद करते हैं कि ऐसा कोई लाइव प्रोग्राम नहीं था जहां पापा ने साहिर जी का शुक्रिया अदा ना किया हो और ये गीत ना गाया हो। आइए, इसे सुनने से पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। तो अर्ज किया है, मुझे छोड़ के वो खुश है तो शिकायत कैसी। इस पर्सपेक्टिव को आप सुनिए, मुझे छोड़ के वो खुश है तो शिकायत कैसी, अब उसे खुश भी मैं ना देखूं तो मोहब्बत कैसी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी जलवे पर आए हैं, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम को तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक ला
जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग अवर शो सफरनामा। द एम ऑफ डिजाइनिंग दिस शो इज टू रेज फंड्स फॉर द वेरियस एक्टिविटीज विच आर बीइंग कैरिड आउट बाय रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे घाटकोपर फॉर द नीडी एंड डिजर्विंग people of the society. You can donate any amount during the show by Google, Paytm or NEFT. The details are displayed on the screen. Thank you.